नाव के आकार में बनाया गया घर है, काफ़ी सुंदर देख सकते हो आप। और यहाँ पर कुछ ऐसा बैठने का व्यवस्था किया गया है, यहाँ पर प्रोजेक्टर था पहले, अभी भी है, मतलब देख सकते हो यहाँ पर है ना, कुछ कुछ जो चीज़ है नाइट में यहाँ पर दिखाया जाता है। यह है कुछ ऊर्जा पार्क का एंट्रेंस, देख सकते हो बहुत अच्छा बनाया है। और इधर जो है पार्किंग इधर फ्री है, और आसपास में खाने की चीज़ें हैं। ये पार्किंग है सामने में है ना। चलो अब अंदर जाके दिखाते हैं, टिकट है 20 रुपये, ऐसा कुछ है नज़ारा अंदर का देख सकते हो। और यहाँ पर 18 वर्ष से कम वाले बच्चों का है 10 रुपये, और 18 वर्ष से अधिक वाले बच्चों का है 20 रुपये। और यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे छोटी छोटी बुआ लोग, और उधर कुछ नाव का आकार का बना है, कुछ इस प्रकार का है ऊर्जा पार्क। तो यहाँ पर है सामने में फव्वारा देख सकते हो, एक प्यारा सा सुंदर सा, और रात में इसका नज़ारा ही अलग रहता है यार, मस्त। तो यहाँ पर एक छोटा सा मस्त पार्क है, छोटा सा नहीं बहुत अच्छा पार्क है। अगर आप बिलासपुर शहर में रहते होगे तो यहाँ राजकिशोर नगर में है ये जगह, इसके बाजू में स्मृति वन, वहाँ भी जा सकते हो। और देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है, एकदम ग्राउंड टाइप का, जहाँ पर आप बैठ के कुछ कुछ चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गंदगी नहीं फैला सकते। और आगे कुछ इस प्रकार के पत्थरों से बना देख सकते हो, और सभी जगह ये ऐसा म्यूज़िक चलते रहता है जो ये स्पीकर दिया हुआ है उससे। और क्या बोले यार, अब ये हम लोग को देखो। तो पहले इधर से हम लोग ऐसे घूम लेते हैं, फिर ना ऐसे एक राउंड का पूरा एक नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको। और यहाँ पर एक एक्वेरियम भी है, उसको भी दिखाऊंगा आपको। तो ये नाव के आकार में बनाया गया घर है, काफ़ी सुंदर देख सकते हो आप। और यहाँ पर कुछ ऐसा बैठने का व्यवस्था किया गया है, यहाँ पर प्रोजेक्टर था पहले, अभी भी है, मतलब देख सकते हो यहाँ पर है ना, कुछ कुछ जो चीज़ है नाइट में यहाँ पर दिखाया जाता है, काफ़ी सुंदर है। और ये बड़ा सा प्रोजेक्टर यहाँ पर देख सकते हो, दिखाते हैं बच्चे, या मतलब बच्चे बूढ़ों को, जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर है ना। और यहाँ ना भाई मैं बता रहा हूँ, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, जैसा कि आप मेरे इस वीडियो में देख रहे हो, इस ब्लॉग में देख रहे हो आप लोग। और ये रेमटी ना ये बार बार देख रही मुड़ मुड़ के, तो देख सकते हो यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए कितना सारा झूला लगाया हुआ है ना। और इधर छोटा सा एक पेड़ है, काफ़ी सुंदर। चलो भाई, और ये भाई प्लेग्राउंड है बच्चों का है ना, जो 15 वर्ष से कम बच्चे हैं उसके लिए बनाया गया है देख सकते हो आप लोग। ये देखो, और अभी शादी का सीज़न है, अभी गर्मी का दिन है ना, आप सभी को पता होगा। तो शादी के बाद यहाँ पर जो बरसात का सीज़न रहेगा ना, एकदम मस्त माहौल रहता है यार, मज़ेदार वाला। अच्छा, तो यहाँ पर 12 वर्ष के बच्चों के लिए है ये प्ले एरिया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे इसमें कमल का फूल है ना, पोखरे लगे हुए हैं। और इधर देख सकते हो भाई, अभी आगे में एक्वेरियम है, इसको भी दिखाते हैं आपको। और नीचे में जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, इसको जरूर दबाना, और बाकी लोगों को शेयर करना अगर आप बिलासपुर में रहते होगे तो। अभी जो उधर अभी है ना, एक बड़ा सा, अरे हो गया फूलमती। तो यहाँ पर देख, जैसे देख सकते हो यहाँ पर कुछ है बना हुआ है ना, सरा ऐसा कुछ नाम है उसका, हाँ ठीक है। और ये है अपनी फूलमती, यहाँ भी कुछ इस प्रकार का बैठने का बनाया गया है ना, मनोरंजन के लिए यहाँ पर कुछ है। ये है भाई किचन से वेस्ट आधारित बायोगैस संयंत्र, ठीक है, जो ऊर्जा संरक्षण के लिए है ना, जैसे खाद वाद बनाया जाता है उसके लिए यहाँ पर बनाया गया है, मतलब डेमो के रूप में। और देख सकते हो यहाँ पर एक फ़ोटो शूट एरिया है, तो यहाँ पर जो शादी का अगर शूट करना चाहते हो ना तो आ सकते हो भाई, बहुत ही अच्छा शूट होगा यहाँ पर। अभी हम लोग बहुत कचर कचर करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, मैं पीछे आपको छोड़ दिया जाता है। देख लो चिमकांडी को।
और क्या बोले भाई, मस्त खुशबू आ रहा है नहीं। तो यहाँ पर है भैया एक्वेरियम, चलो अब आपको अंदर में जाके दिखाते हैं, है ना। और ये भैया स्वच्छ बना रखे का एक बोर्ड लगा है यहाँ पर छोटा सा, वहाँ भी ऐसे जाके दिखाएंगे आपको, खुद को भी दिखाइए एक बार। तो ये मेरे यहाँ पर क्या क्या लगा दी, फूलमती बना दी मेरे को, फूलमता बना दी मेरे को, ये इसको दिखाओ इसको। तो चलो अभी इधर जाके दिखाते हैं। तो ये भैया प्रदर्शन विथिका है ना, अभी यहाँ पर क्या है एक्वेरियम है भाई, और ऊपर में इसके बाद है जो उड़न संरक्षण का नियम है ना, जो जो चीज़ है मॉडल उसको बनाया गया है, और नीचे में है आपका एक्वेरियम, ये देख सकते हो यहाँ पर एक्वेरियम है पूरा, है ना। जैसा कि देख सकते हो आप छोटा छोटा मछली है ना, रंग बिरंगी मछली है यहाँ पर, और देख सकते हो काफ़ी सुंदर सुंदर। ये देख सकते हो हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं। ये कौन सा फिश है भाई, यहाँ पर देखो यार फिश को देखो, छोटे छोटे बच्चे, इसको देखो भूदनी को, और कुछ इस प्रकार का है अंदर का नज़ारा। एसी लगा है भाई चारों ओर, मज़ेदार। और ये है भाई केकड़ा, ये देख सकते हो केकड़ा भाई, झींगा। और इधर कुछ है लेकिन हाँ, ये देख सकते हो भाई, ये भाई तेलपिया है भाई, अपने भाषा में तो इसको तेलपिया बोलते हैं, और कोई नहीं है भाई इधर। और ये भैया कौन सा खतरनाक फिश है यार, देख सकते हो आप, है ना, मेरे को तो नहीं पता। और इधर भी बैठे हैं देख सकते हो यार। और यहाँ पर कुछ है तो भाई, इधर तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो आगे चलते हैं इधर देखते हैं। और ये भी कुछ इस प्रकार का है, अच्छा से इसको डिज़ाइन किया गया है, मस्त एकदम सुंदर टाइप का। और यहाँ बस इतनी ही है देख सकते हो आप, यहाँ पर एक पातर पातर पीस है भाई, देख लो। और यहाँ पर भाई पूरा मछलियों का झुंड है, छोटे छोटे मछलियाँ। तो चलो अब ऊपर जाके दिखाते हैं आपको, चल रहे हैं ऊपर की ओर और आपको दिखाते हैं कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, है ना। और ये है सेकंड फ्लोर, यहाँ पर क्या है जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसको बताया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो विंड मिल है ना, विंड मिल जिसको बोलते हैं। और ये जो है भूतापीय ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है, ऊपर में भी लिखा होगा देख सकते हो, है ना। और ये क्या है भैया, ये समुद्री तापीय ऊर्जा, ठीक है, ये समुद्र है कुछ, और समुद्र से ऐसे लहरें आज उत्पन्न होती है, ज्वारभाटा जिसको बोलते हैं, है ना, उससे ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। और इधर तो कुछ नहीं है, है ना, आगे का नज़ारा, और मैं भी यहाँ पर हूँ, और देख सकते हो बस। ये भैया है क्या, ये भाई ये छाते का प्रयोग करके कुकर में सब्जी पका सकते हैं इसमें। और ये इस फटा हुआ स्पीकर है, ये पंखा के अंदर का है, ये क्या भाई हमको नहीं पता, देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है। बाकी ये अब चलो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये है भैया फोटोशॉट के लिए बहुत ही यार बहुत ही सुंदर जगह, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो यार, काफ़ी ब्राइट एंड लाइट एंड सैचुरेटेड है मेरा वीडियो। और ये है पुष्पा वन, पुष्पा टू, ओ माय गॉड बोल रही है, वेरी फेमस गर्ल, है ना। इन लोग को देख लो, बच्चों जैसे हरकत कर रहे हैं यहाँ पर आके, है ना, मटमटा रहे हैं। और ये है भाई कुछ शूटिंग के लिए अच्छा प्रॉपर जगह, जैसा कि आप देख सकते हो, है ना। और यहाँ पर बड़ा सा फुव्वारा, चलो उधर भी जाके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ना भैया लाइट पूरा जलता है, क्यों जलता है भाई, क्योंकि बिजली आता है भाई, यहाँ पर रोजा पार्क है ये। और कुछ यहाँ ऐसे सीढ़ियाँ बनाए गए हैं, है ना। और ये गाना जो सुन रहे हो वो मैं नहीं चला रहा हूँ भाई, ठीक है। देखो भाई लाइट तो अब जल चुका है, तो देखो भाई नज़ारा यार
काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और मैं बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन बोलूँगा भाई, क्योंकि आपको बताना है यार कि इस जगह आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा कि नहीं होगा, क्या क्या ऐसे जगह मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप आके अपना जो है लुत्फ या फिर आनंद ले सकते हो, है ना। और ये देख सकते हो यार, ये है भैया फुवारा, और यहाँ पर ऐसे गोल का ना राउंड का पूरा बैठने का बनाया गया है। यहाँ पर भी ठंडा ठंडा लग रहा है यार, पानी के जो है ना छींटे तो यार फेस में पड़ रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देख सकते हो भैया, अंदर में लाइट लगाया गया ऐसे, है ना। और भैया इधर तो बरसात हो रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब अच्छा लग रहा है भाई। और देख सकते हो पेड़ों का यार, ओ माय गॉड, आनंद है भाई। और रोड में भी लगाया गया भाई, मज़ेदार यार। मतलब भैया बता रहा हूँ, जिसको भी अगर शूटिंग वूटिंग करना, भी जो भी फ़ोटोशूट का लवर होगा ना, यहाँ ज़रूर आना और फ़ोटोशूट के लेना भैया। कितना सुंदर सुंदर जगह है, बहुत अच्छा अच्छा बैकग्राउंड है, वहाँ पर आप खिंचा सकते हो। और जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ उसको ज़रूर दबाना, क्योंकि भैया आपके लिए वीडियो बनाते हैं यार, है ना, ताकि आप मेरे वीडियो को देखो। और ऐसे जगहों में आ सकते हो, यहाँ पर ऊर्जा पार्क लिखा है, एनर्जी पार्क बिलासपुर, और यही है कुछ एनर्जी पार्क का वो प्रॉपर वीडियो, ये कुछ है ना। तो देख सकते हो यहाँ पर मतलब जो सीढ़ी है उसके ऊपर लाइट लगा गया है, और ये जो है सामने का इंटरफेस, यही है कुछ भाई। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जय सिया राम।